नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने जो वीडियो देखी थी, कल हमने जो वीडियो पोस्ट की थी, उसमें हमने आपको कहा था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मार्केट जा सकता है, वो पहला टारगेट जो मार्केट का रह सकता है वो 17,000 के आसपास रह सकता है, और अगर 17,000 टूटता है तभी आप नीचे का सेकेंड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि 16,850 का था। तो ये वाली बात हमने कल अपने जो वीडियो हमने पोस्ट की थी उसके अंदर बताया था, आपको ये बताया था कि भाई क्लोजिंग डाटा जो है वो नेगेटिव ही है, जो कि परसों मार्केट जब मतलब मार्केट का जब कल क्लोज़ किया था तो मार्केट का डाटा जो है वो नेगेटिव था क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो दोनों चीज़ हमने आपको ये बताई थी कल वाली इस वाली वीडियो के अंदर जो हमने पोस्ट की थी। दोस्तों, आज मार्केट ने एग्जैक्टली हर चीज़ को फॉलो किया, जो भी चीज़ हमने कल डिस्कशन किया था उस चीज़ को फॉलो किया। तो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं मार्केट ने एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश की आज के दिन। तो यहाँ पर मार्केट जब आज ओपन हुई तो मार्केट एग्जैक्टली सेम लेवल के आसपास ओपन हुई, जहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली देख लेते हैं कहाँ पर मार्केट ओपन हुई, जहाँ मार्केट ने कल क्लोजिंग की थी मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं ओपन किया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही मार्केट ने ओपन किया तब यहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप देख भी सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा था कि यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर डाटा जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि जो डाटा था ना, सुबह सुबह जो बना डाटा था, वो डाटा जो बन रहा था सुबह सुबह, वो बन रहा था पॉजिटिव डाटा। समझिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपकी लर्निंग के लिए भी काम आएगा। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा था कि भाई फ्यूचर सेगमेंट एंड ऑप्शन चेन जो है वो दोनों के दोनों डिफरेंट व्यू रखते हैं यहाँ पर। और साथ में मैंने 10 मिनट बाद ये भी पोस्ट डाला था कि यहाँ पर मार्केट जो है वो डाउन है, लेकिन पुट सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हैं, इसका मतलब डाउन मूव जो है वो ट्रैप हो सकता है। साथ में फिर मैंने मैसेज डाला कि 17,000 जो है वो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, मैं पर्सनली 17,000 से नीचे अगर मार्केट जाता है तो मैं बाय ऑन डिप की सोचूंगा, आई विल नॉट बी बियरिश। दोस्तों, यहाँ पर जो भी पूरा दिन मार्केट ने मूव किया तो उसके हिसाब से मार्केट ने कैसे कैसे मूव किया वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जो सुबह का पहला मैसेज था वो डाटा कंफ्यूजिंग क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सुबह का डाटा मेरे पास यहाँ पर सिस्टम से जो मैंने फैच करके आपके लिए स्पेशली निकाला है, वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो स्कोर जो हमारा होता है और जो इम्पॉर्टेंट जो हमारी एनालिसिस होती है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये डायरेक्शन है और ये है स्कोर। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर सुबह सुबह स्कोर बहुत अच्छा था, अचानक से यहाँ पे 9:23 के ऊपर स्कोर डिक्रीज़ हुआ, डायरेक्शन भी डिक्रीज़ हुई। सुबह 9:23 के ऊपर ये पता लग चुका था कि मार्केट में एक फॉल आएगा, लेकिन ये कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर उसके बाद जब 9:27 हुए, 9:31 हुए, 35 हुए, आप कंसिस्टेंटली 10 बजे तक आप चेक कर सकते हो, 9:45 तक आप चेक कर सकते हो, ट्रेंड जो था वो एक बुलिश ट्रेंड था पूरा दिन। तो यहाँ पर हुआ क्या कि स्कोर डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पर मतलब स्कोर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन ट्रेंड जो था वो बुलिश था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या होता है कि पुट सेलर्स अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ रहे हैं, दे आर नॉट लीविंग देयर पोजीशंस। तो पुट सेलर अगर पोजीशंस नहीं छोड़ेंगे तो ट्रेंड जो है वो अपसाइड ही रहेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन क्योंकि मार्केट डाउन चला गया और डाउन जाने की वजह से मार्केट का स्कोर जो है वो नेगेटिव गया, तो यहाँ पर सुबह सुबह पुट सेलर्स एक्टिव थे, यही पोस्ट मैंने डाला था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप चेक भी कर सकते हो, सुबह सुबह का मेरा पहला पोस्ट यही था 9:28 के ऊपर कि ओपनिंग डाटा जो है वो कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग क्यों था? क्योंकि डाटा जो था वो बुलिश था लेकिन मार्केट नीचे जा रहा था। तो यहाँ पर अगला जो पोस्ट था मेरा यही था कि पुट सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हैं, डाउन मूव कैन बी ट्रैप, मतलब जो डाउन मूव आ रहा है वो ट्रैप हो सकता है, बच के रहिएगा, साफ साफ। तो ये चीज़ मैंने सुबह सुबह अपडेट कर दी थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उम्मीद करता हूँ सब लोगों को ये फ़ायदा हुआ होगा इस चीज़ से। फिर उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मार्केट जो है वो 17,000 के लेवल तक भी गया 10:40 के आसपास, और 17,000 के लेवल तक मार्केट जाने के बाद स्कोर तो डिक्रीज़ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो नीचे जा रही थी, मार्केट का जो स्कोर था वो नीचे जा रहा था, लेकिन
पूरा दिन जो है मार्केट सुबह जब ओपन हुआ जब से लेके जब मार्केट 17,000 के लेवल तक गया 10:45 तक 10:45 के आसपास पूरा दिन पुट सेलर्स एक्टिव थे, जिसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड जो था वो अपसाइड ही था और 17,000 जो था वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल भी था जो कि एक सपोर्ट का लेवल था ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। तो यानी कि ऑप्शन चेन पे सपोर्ट भी था 17,000 के आसपास और ट्रेंड भी जो था वो मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाने के बावजूद भी जो ट्रेंड था वो अपसाइड ही दिखा रहा था जो सिस्टम था वो ऑप्शन चेन का। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो यही थी कि मार्केट 100 पॉइंट नीचे जरूर गया, नीचे के लेवल के ऊपर रहा भी 11 बजे तक। तकरीबन आप चेक कर सकते हो जो स्कोर था वो 11 बजे तक नेगेटिव रहा और मार्केट ने 17,000 के लेवल के आसपास 11 बजे तक टाइम पास किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मार्केट फर्दर डाउन साइड जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है हमें सिग्नल मिलना शुरू हो चुके थे। दोस्तों यहाँ पर सिग्नल जो मिलना शुरू हुआ वो एग्जैक्टली 11 बजे के आसपास मिलना शुरू हुआ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 11 बजे का टाइम फ्रेम आया, 11 बजे के टाइम फ्रेम के बाद आप चेक कर सकते हो क्या हुआ कि यहाँ पर सिग्नल मिलने शुरू हो चुके थे 11 बजे के आसपास, तो यहाँ पर अब स्कोर भी पॉजिटिव होना शुरू हो चुका था। मतलब मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो चुकी थी और मार्केट ने ऊपर की एक छलांग भी लगाई थी और मार्केट ने 11 बजे के आसपास जो है वो ऊपर की तरफ छलांग लगानी शुरू की थी और ट्रेंड तो पहले से ही यहाँ पर बुलिश था। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि कब की बात थी। दोस्तों ये 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुई यहाँ पर तो 10:45 तक तकरीबन यहाँ तक जो था ये पूरा मार्केट डाउन था, लेकिन यहाँ पर पुट सेलर्स एक्टिव थे। यहाँ पर जो आईवी था वो पुट साइड का जो था वो डिक्रीज़ कर रहा था और जिसकी वजह से पुट सेलर्स एक्टिव रहे भी इस डाउन साइड मूव के अंदर, और ये डाउन साइड मूव 10:45 तक रहा। और उसके बाद 11 बजे जब मार्केट मतलब अपसाइड मूव दिखाने लगा तो मार्केट ने ये अपसाइड मूव भी दिखाया था और इसी वजह से यहाँ पर 11 बजे से लेके और ये जो टाइम था यहाँ तक मार्केट ने अपसाइड मूव भी दिखाया था। और यहाँ पर सिस्टम ने भी ये चीज़ बताई थी कि 11 बजे के बाद जो है सिस्टम ने स्कोर जो है पॉजिटिव दिखाना शुरू कर दिया था और मार्केट का ट्रेंड भी अपसाइड था। यानी कि अब यहाँ पर क्लियर हो चुका था कि 12 बजे तक, अब देखिए मार्केट जो है वापस ऊपर जाने के बाद नीचे भी आया। यहाँ पर हम ध्यान से समझिएगा कि मार्केट ऊपर गया 11:30 बजे तक मार्केट ऊपर रहा, मार्केट 17,090 तक गया था और 11:30 बजे तक फिर मार्केट नीचे आया। मार्केट कहाँ पे फिर घूम के आया? फिर मार्केट नीचे घूम के आया 17,020 तक, तकरीबन 12 बजे तक। मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखा भी देता हूँ। लेकिन यहाँ पर इस बार जब मार्केट नीचे आया तो स्कोर डिक्रीज नहीं हुआ, मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ प्रूव हो रही थी डाटा पॉइंट्स के ऊपर पहले से पहले ही। और आप चेक कर सकते हो कि जब ये सेकेंड टाइम 11:30 के बाद नीचे मार्केट आया तो स्कोर जो था वो पॉजिटिव ही था और ट्रेंड जो था वो भी बुलिश था। तो मतलब जानबूझकर बड़े प्लेयरों ने जानबूझकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा टाइम लिया और ये पूरे डाउन मूव के अंदर तकरीबन 12 बजे तक जो है पूरा का पूरा अपनी जो भी कल की शॉर्ट पोजीशंस थी वो प्रॉफिट में क्लोज करी। याद रखना वो सारी की सारी पोजीशंस जो कल की उन्होंने बेरिश पोजीशन ले रखी थी बड़े प्लेयर्स ने, वो सारी की सारी शॉर्ट पोजीशन उन्होंने प्रॉफिट में क्लोज करी और उनको तकरीबन बहुत टाइम लगा, 12 बजे तक के टाइम लग गया। और जिसकी वजह से अब हो क्या रहा था कि वो शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर रहे थे साथ में साथ वो बुलिश पोजीशन बना रहे थे, क्यों? क्योंकि आईवी जो था वो सुबह मॉर्निंग से ही पुट साइड का डिक्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से ये सच्चाई थी कि यहाँ पर कोई ना कोई पुट सेलिंग कर रहा था सुबह से पता लग चुका था। लेकिन मार्केट डाउन थी जिसकी वजह से जो प्रीमियम था वो कॉल साइड का डिक्रीज जो था वो कर रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं कर रहा था जितनी स्पीड से पुट साइड का प्रीमियम डिक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पर फ्यूचर्स की जो पोजीशंस थी उसको क्लोज किया गया बड़े प्लेयर्स के द्वारा इस वाले डाउन मूव के अंदर और यहाँ पर नई पोजीशन बनाई गई जो पुट सेलिंग की थी बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर 12 बजे तक ये क्लियर हो चुका था कि मार्केट जो है अपसाइड जाएगा और ये चीज मतलब आप लोगों को बता दी गई थी कि भाई 17,000 का जो लेवल है वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त लेवल है, उसके नीचे मार्केट नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर उसके बाद आप चेक भी कर सकते हो कि मैंने फिर 12 बजे के आसपास आपको दोबारा से अल्टीमेटली 11 बजे के आसपास भी मैंने दोबारा मैसेज डाला कि भाई यहाँ पर 17,000 सपोर्ट है, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद फिर मैंने दोबारा मैसेज डाला, देखिए दोबारा मैंने फिर मैसेज डाला क
के भाई 12:40 पे भी मैंने मैसेज डाला कि मैंने यहाँ पर पर्सनली जो है मैंने 31 स्टॉक्स की लिस्ट जो है 599 वाले मेंबर्स के साथ शेयर कर दी है, रिजल्ट सीजन कॉर्नर पे है, मतलब आने वाला है, तो मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छे रिजल्ट आएंगे और वैल्यूएशन जो है वो अच्छी मिल रही है। तो मैं यहाँ पर फुल मूड में था आज कि मैं आज बेरिश नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स उस चीज़ को यहाँ पर नहीं दर्शा रहे थे। और दोस्तों मेंबर्स लोगों को यहाँ पर एग्जैक्टली क्लियरली बता दिया गया था डाउन मूव आने से पहले ही, आप यहाँ पे मेंबर्स का भी वीडियो चेक कर सकते हो, मतलब जो मेंबर्स हम कम्युनिटी टैब के ऊपर जो काम करते हैं वो भी आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर मेंबर्स को भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया था पहले से पहले ही कि यहाँ पर आप बिल्कुल भी शॉर्ट पोजिशंस नहीं लेंगे। और मैंने यहाँ पर जब 11 घंटे पहले यानी कि जब मार्केट ओपन हुआ था तभी पहला मैसेज मेरे मेंबर्स को डाला था कि अब शॉर्ट मत रहना, डाटा कंफ्यूजिंग है, साइड में रहो जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं मिल जाती। और हमको दोस्तों 12 बजे तक क्लेरिफिकेशन मिल चुकी थी डाटा पॉइंट्स के ऊपर, और मैंने फिर एग्जैक्टली 10:30 के आसपास मैंने ये कहा था कि भाई 140 के ऊपर तो बाइंग अच्छी रहेगी 17,000 का लेवल जो है वो, और हमारा 11 बजे के आसपास ट्रेड था जो कि 17,100 का कॉल साइड का ट्रेड था जो कि हमने यहाँ पे लिया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर दोबारा से उनको कंफर्म किया जब डाउन मूव आया था दोबारा से ऊपर जाने के बाद, फिर मैंने यहाँ पे कंफर्म किया कि आप शॉर्ट मत रहिएगा 17,000 के आसपास, क्योंकि डाटा बेरिश नहीं है 17,000 के आसपास और मैं अपनी कॉल बाइंग की पोजिशंस होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो डाटा पॉइंट्स के हिसाब से चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो हैं वो 12 बजे तक क्लियर हो चुके थे, बल्कि मैं तो कहूँगा 11 बजे तक यहाँ पे क्लियर हो चुका था कि स्कोर भी बढ़ रहा था और ट्रेंड भी बुलिश था। तो डाटा पॉइंट्स फिर उसके बाद जो है पूरा क्या हुआ कहानी, फिर क्या कहानी कैसे हुई, आप सब समझदार हैं और आप सब लोगों ने देखा भी कि यहाँ पर मार्केट पे पूरा दिन जो है डाटा स्कोर जो यहाँ पर पूरा दिन जो है स्कोर जो है डाटा पॉइंट्स का और जो ट्रेंड था वो बुलिश रहा और ओवरऑल जो है मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई। तो ये होता है फ़ायदा दोस्तों, देखिए आप खुद चेक कर सकते हो 12 बजे के बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, पूरा दिन जो है मार्केट ऊपर की तरफ तैरता गया और हम लोगों ने 17,300 के आसपास अपनी पोजीशंस क्लोज भी करी और हमने पोजीशन यहाँ पे ले ली थी 17,000 के आसपास, आपको मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया। तो यहाँ पर 599 वाले मेंबर्स को इस तरीके से अपडेट दे दिए जाते हैं और टाइम से उनको बताया जाता है यहाँ पर सिचुएशन क्या बन रही है। तो दोस्तों ओवरऑल जो मार्केट ने आज कैसे मूव किया, डाटा पॉइंट्स ऑप्शन चेन कैसे मूव कर रही थी, तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने आपको क्लियर की। तो यहाँ पर डाउनसाइड मूव के अंदर बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की, साथ के साथ यहाँ पर बुलिश पोजीशंस क्रिएट की गई पुट सेलिंग की बड़े प्लेयर्स के द्वारा, और जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गई। ओवरऑल सिचुएशन यही थी जो मैं आपको बताना चाहता था आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इंपॉर्टेंस क्या है डाटा पॉइंट्स की। अब देखिए डाटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस इतनी अच्छी है कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ और थंबनेल पे डाली हुई है कि भाई ये प्राइजेशन जो है वो फेल हो गया। अब देखिए छोटे प्लेयर क्या करते हैं, जो डाटा पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं करेंगे, नॉर्मल लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिनके पास डाटा पॉइंट्स रीड करने की पावर नहीं होती, वो क्या करते हैं कि भाई प्राइजेशन को देखते हैं और फिर वो बेरिश पोजीशन में आना शुरू कर देते हैं। और वही हुआ आज रिटेल ट्रेडर के साथ, रिटेल ट्रेडर्स ने आज डाटा पॉइंट्स में आपको दिखाऊंगा, तो रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया कि प्रेडिक्शन को देखा और प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर उन्होंने बेरिश पोजीशन बनाई और वो सारे के सारे आज ट्रैप हुए और बड़े अच्छे से ट्रैप हुए। और किस तरीके से ट्रैप हुए बेरिश पोजीशंस बनाने वाले लोग, वो यहाँ पे क्लियर यानी आपको कर भी दिया। और प्रेडिक्शन जो है वो फेल हो जाता है और प्रेडिक्शन एक रिलायबल सोर्स नहीं है ट्रेडिंग करने का, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, प्रेडिक्शन इतनी बड़ी कैंडल बनने के बावजूद भी अगले दिन जो है मार्केट बुलिश हो चुका था, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो प्रेडिक्शन बुलिश हो गया था अगले दिन, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो प्रेडिक्शन बेरिश होने के बाद भी ऊपर चला गया था मार्केट, यहाँ भी आप चेक कर सकते हो बेरिश होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर चला गया था। सो ओवरऑल जो है प्रेडिक्शन बहुत बार फेल हुआ है, आपके सामने हैं सारी की सारी जो पिक्चर है और आज यहाँ पर भी प्रेडिक्शन फेल हुआ है। तो प्रेडिक्शन जो है वो मार्केट को मार्केट डायरेक्शन बताता है कि हाँ भाई क्या हो रहा है मार्केट में, लेकिन प्रेडिक्शन फेल हो जाता है जैसे कि आज हुआ, और जैसे कि मतलब प्रेडिक्शन जो है वो रिलायबल नहीं है उतना ज़्यादा जितना डाटा पॉइंट्स रिलायबल होते हैं। इसलिए मैं डाटा पॉइंट्स का फ़ैन हूँ, इसलिए मैं हमेशा डाटा पॉइंट्स ही फॉलो करता हूँ और आपको भी कहता हूँ डाटा पॉइंट्स ही फॉलो करो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर हर मूव क्लियर हो गया होगा आज का और आपको लर्निंग भी मिली होगी और आपको डाटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर चेक करते हैं अब आगे क्या हो सकता है, मार्केट की डायरेक्शन अब आगे क्या हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया सब कुछ। अब यहाँ पर मार्केट हेल्थ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 7 मार्च से कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी है, ठीक है, कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी है। मैं आपको रेगुलरली बता रहा हूँ अपने वीडियोज़ के अंदर। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी तो यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेंड का जा पाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बाय ऑन डिप होता रहेगा, मार्केट ऊपर जाती रहेगी। बट 7 मार्च से यहाँ पर कोई भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी है, आज जो है पूरा का पूरा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी के जो हैं वो पॉजिटिव बता रहे हैं, पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है। तो बड़े प्लेयर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, मैंने आपको क्लियर भी कर दिया लाइव मार्केट के अंदर, और अभी का क्लोजिंग डाटा जो आया है वो भी यही आया है कि लॉन्ग पोजीशन बनी हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, मैंने आपको कहा था कि भाई रिटेल ट्रेडर जो है वो यहाँ पर प्रेडिक्शन के ऊपर बेसिस के ऊपर जो है आज ट्रेडिंग कर रहा था, और उसने यही किया कि आज फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई गई रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा। उन्होंने आज कॉल राइटिंग भी करी और पुट बाइंग भी करी, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे प्रेडिक्शन को देखने के बाद कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं ऐसा, प्रेडिक्शन फेल हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। और मार्केट ऊपर क्यों गया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स की लंका आज लग गई प्रेडिक्शन को देखने के बाद। तो प्रेडिक्शन इज़ नॉट अ रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रेडिंग, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर्स की आज लंका लगी, किस तरीके से लगी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। FIIs लोगों ने आज यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई है, इन्होंने केवल अपनी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस जो फ्यूचर्स से बनी है उसको हैज किया है। तो पुट बाइंग इज़ अ हैज पोजीशन, इसको आप वैल्यू नहीं देंगे। फ्यूचर्स में इनकी लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं, और जो प्रोप्राइटर हैं उन्होंने फ्यूचर्स में भी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, कॉल बाइंग भी की है, पुट सेलिंग भी की है। तो ओवरऑल FIIs एंड प्रोप्राइटर दोनों के दोनों यहाँ पर जो हैं बुलिश नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर बुलिश पोजीशन बनाई गई हैं बड़े प्लेयर्स के द्वारा, और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स इस वक्त बेरिश पोजीशन में आगे बैठा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप जो लॉस होगा कल भी वो रिटेल ट्रेडर्स को ही होगा, जिन लोगों ने यहाँ पर बेरिश पोजीशन में आके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लेवल की बात करूँ तो लेवल जो है वो अब यहाँ पर आपको ये पैटर्न तो मैं डेली दिखाता ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो लेवल जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो आएगा वो 500 से लेके 530 के बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा? 17,530। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है वन डे की, प्लस डाटा पॉइंट्स भी अगर सपोर्ट करते हैं, तभी हम यहाँ पर आगे के जर्नी कवर कर पाएंगे 18,000 तक की। अदरवाइज़ हम यहाँ पर फिर दोबारा से रेसिस्टेंस फेस करेंगे। रेसिस्टेंस जो होगा 17,500 से लेके 17,530 तक के आसपास रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे लेवल। तो यहाँ पर अब मार्केट जो अपसाइड जा सकती है वो जो फंसेगी, मार्केट जो फंसेगी वहाँ पे मैंने आपको रेसिस्टेंस बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन बन के नज़र आ रही है वो सिचुएशन यही नज़र आ रही है कि यहाँ पर 17,500 तक मार्केट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त बुलिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं बड़े प्लेयर। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन यहाँ पर पुट सेलिंग जो की जा रही है, ये पुट सेलिंग नई फ्रेश हुई है, ये भी नई फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ पर 17,300-17,400 के ऊपर जो फ्रेश पुट राइटिंग की है ये बड़े प्लेयर्स ने की है, और यहाँ पर जो कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं ये लोग 17,400 के ऊपर ये किया है रिटेल ट्रेडर्स ने, अभी आपको समझाया भी। और जो कॉल बाइंग हो रही है यहाँ पर 17,600 के ऊपर और 17,500 के ऊपर पोजीशन क्लोज भी हुई है, याद रखिएगा इस चीज़ का। तो यानी कि 17,500 के ऊपर जाना एक बार तो बनता है, चाहे वो थोड़ा बहुत ही ऊपर जाए, लेकिन हमारा रेसिस्टेंस जो है वो हमें याद रखना होगा 17,530 का है। तो यहाँ पर कॉल बाइंग भी हुई है और अभी जो है डाटा बुलिश ही नज़र आ रहा है। टारगेट जो रहेगा कल का 17,530 के आसपास पहला टारगेट रहेगा, और 17,530 के ऊपर सस्टेन करता है तभी हम आगे फर्दर प्ले करेंगे, अदरवाइज हम फर्दर प्ले नहीं करेंगे और अपनी बुलिश पोजीशंस को क्लोज कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सारा चीज़। और अब फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है वो कल जो मैंने आपको समझाया था कि बैंक निफ्टी जो है ना वो आपको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूँ। तो बैंक निफ्टी ने आज फिर दोबारा से अपना जो रेसिस्टेंस था उसके ऊपर ही यहाँ पर क्लोज कर दिया है, और दोस्तों अच्छी बात है ये। और हमारा जो टारगेट था वो यही था जो आपको कल दिया गया था वीडियो के अंदर कि भाई 35,000 और 35,300 तक मार्केट आ सकता है, और एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ तक आया भी। तो यानी कि जो आपको कल टारगेट दिए गए थे निफ्टी के अंदर 17,000 का टारगेट दिया गया था और 35,300 तक का टारगेट आपको दिया था बैंक निफ्टी में, वो दोनों आज भी अचीव भी हुए नीचे के, और उसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है अब रेसिस्टेंस के ऊपर लगातार एक और दो बार, मतलब ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर बार बार मार्केट क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात है ये
तो यहाँ पर मार्केट नीचे गई थी इस लाइन के ऊपर, लेकिन अब मार्केट 3 से 4 दिन हो चुके हैं इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, मतलब ये अच्छी है, कंसोलिडेशन हो रहा है और अच्छा है मार्केट के लिए, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अब रेसिस्टेंस जो बचा बैंक निफ्टी के लिए, याद रखना रेसिस्टेंस जो बचा है वो केवल एक ही एक बचा है, जो है ये वाला, कौन सा है ये, 36,700 के आसपास, ठीक है, 36,700 के आसपास ये रेसिस्टेंस है। इसके आसपास अगर रेसिस्टेंस मिले तो घबराइएगा मत, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा फिर तो, फिर क्यों, क्योंकि फिर उसके बाद तो मार्केट जो है, फिर अगला रेसिस्टेंस जो मिलेगा मार्केट को, फिर अच्छा खासा 37,300 तक का मूव मिल सकता है, 37,300 तक का मूव मिल सकता है, लेकिन 36,700 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए मार्केट, तभी ये टारगेट आएंगे। तो यहाँ पर ऊपर के लेवल आपको समझ में आ गए होंगे, आज की आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी, वीडियो समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन बटन दिया हुआ है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा, और कुछ लर्निंग मिली हो तो उसका भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इम्पोर्टेंस आपको समझ में आई होगी यहाँ पर डाटा पॉइंट्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।